पहाड़ों पर आफत की बारिश ने तबाही मचा रखी। तस्वीरों में दिखाएंगे किस तरह से आसमान से पानी नहीं बर्बादी बरस रही। देखिए जल तांडव की पूरी रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश अपना रौद्र रूप दिखा रही है। तस्वीरें किन्नौर की है जहां बादल फटने के बाद तबाही मच गई। देख सकते हैं किस तरह सड़कों पर सैलाब आ गया। पानी ऐसे बहा जैसे यहां नदी बह रही हो। पानी का बहाव इतना तेज है कि गाड़ियां किसी खिलौने की तरह एक दूसरे के ऊपर जा गिरी। कुछ गाड़ियां उस बहाव में बहती हुई दिखाई दे रही है। सैलाब इतना तेज है कि कोई इंसान इस रौद्र रूप के सामने नहीं टिक पाएगा। अगली तस्वीर नारकंडा की है जहां पर नदियां और नाले उफान पर हैं। नाले का बहाव इतना तेज है कि कोई भी पानी में तिनके की तरह बह जाए। आसपास के घरों को अलर्ट पर रखा गया है। घरों तक पानी का तेज बहाव पहुंच चुका है। फिलहाल प्रशासन ने नेशनल हाईवे 5 को बंद कर दिया है। हिमाचल की तरह उत्तराखंड में भी बाढ़ से जंग चल रही है। बागेश्वर में नदियां और नाले उफान पर हैं। कई जगहों पर पुल टूट गए हैं जिसके चलते स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही है। स्कूल जाने वाले बच्चे खतरा मोल लेकर एक छोर से दूसरे छोर पर जाने को मजबूर हैं। इधर पहाड़ों की बारिश ने मैदान में भी तबाही मचा रखी है। पंजाब में सैलाबी आफत से लोगों को परेशानी हो रही है। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। तस्वीरें गुरदासपुर की है जहां पर रणजीत सागर डैम से करीब 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। पानी का सितम ऐसा है कि रावी नदी के पार बसे 7 गांव से संपर्क टूट गया। 5,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हो गए। महाराष्ट्र में जल कहर से जिंदगी बेहाल है। यवतमाल में 4 दिनों से लगातार बारिश के बाद सड़कें दरिया में बदल गई। नदी नालों का पानी सड़कों पर सैलाब बनकर आया है। देख सकते हैं किस तरह बाइक सवार अपनी जान जोखिम में डालकर सड़क पार करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पानी की धारा इतनी तेज थी कि बाइक से ही दोनों शख्स तिनके की तरह बह गए। पालघर में भी बारिश की डराने वाली तस्वीर सामने आ रही है। सैलाबी आफत की वजह से घरों में पानी घुस गया। गाँव के गाँव पानी में डूब गए। लोगों को रस्सी के सहारे घरों से बाहर निकाला जा रहा है। इस रेलवे स्टेशन के पास की तस्वीर भी सामने आई। ट्रैक को छूता नजर आ रहा पानी, दूसरी तरफ बाइक भी पानी में तैरती नजर आ रही है। आसमानी आफत के आगे सभी बेबस नजर आए। टीम न्यूज नेशन। महाराष्ट्र में आसमानी बारिश मुसीबत का दूसरा नाम बनती जा रही। राज्य के कुंकड़ इलाके में मानसून ने अचानक अपनी रफ्तार बढ़ाई। जैसे जैसे बारिश बढ़ी तो साथ साथ आफत भी लाई। कहीं बरसाती पानी का डेरा, कहीं पहाड़ों से दरकता चट्टानों का रेला। यह है महाराष्ट्र के कोंकण का लेटेस्ट वेदर अपडेट, जहां बरसते बादलों ने लोगों के दिन का चैन और रातों की नींद छीन ली। कोंकण में कुदरत का कहर किस लेवल पर पहुंच चुका है, इसकी एक तस्वीर न्यूज नेशन रिपोर्टर पंकज मिश्रा ने देखी जब वो पहुंचे रायगढ़। रायगढ़ में पिछले 2 दिन से हल्की फुल्की बारिश हो रही थी, लेकिन जैसे ही बारिश की मात्रा बढ़ी तो सड़कें मानो दरिया बन गईं। महाराष्ट्र के रायगढ़ में लगातार हो रही बारिश के कारण कई गांव का संपर्क जो है वो मेन लेन से टूट चुका है। इस वक्त हम रायगढ़ के रसायनी इलाके मौजूद हैं और यहां पर सड़क पर किस तरह से पानी भर चुका है ये मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये हम इस वक्त एक मेन सड़क पर खड़े हैं और पूरा का पूरा सड़क जो है वो कमर भर से ज्यादा पानी में डूबा हुआ है। यही वजह है कि कई गांव का संपर्क जो है वो टूट चुका है, यानी कि एक तरफ से गांव के लोग जो है वो शहर की तरफ नहीं आ सकते। मैं चाहूंगा कि मेरे वीडियो जर्नलिस्ट अनिल शिंदे दिखाएं कि किस तरह से यहां पर पानी भरा हुआ है और गांव के लोग जो है वो सड़क के उस तरफ इंतजार कर रहे हैं कि कोई मदद मिले और वो इस पानी के रास्ते को क्रॉस करके शहर की तरफ आ पाए। हर साल कोंकण में महाराष्ट्र के दूसरे इलाकों की तुलना में ज्यादा बरसात होती है, लेकिन जिस तरह पिछले 48 घंटों में मौसम का मिजाज बदला वो सबको चौंका रहा है। खुद सरकार कबूल रही है कि कोंकण में हालात तेजी से बदल रहे हैं और इसी वजह से प्रशासन को तैयारियां करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। कोंकण में विशेष रूप में समस्या गंभीर होती जा रही है, इसके कारण सभी जिलाधिकारियों को सूचना दिया है, यानी जीवित हानि हम होनी नहीं चाहिए।
कोंकण में अभी तेज बरसात का आगाज हुआ है और इस आगाज ने ही आफत ला दी है। सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को हो रहा है, जिनकी पकी हुई फसलें बरसात के पानी का शिकार हो रही हैं। कहीं मंदिरों में पानी घुस गया है तो कहीं सरकारी दफ्तर जलभराव की चपेट में आ गए हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए अलर्ट भी जारी किया है। ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि मुंबई को येलो अलर्ट जोन में रखा गया है। इसी वजह से एनडीआरएफ की टीम को रत्नागिरी के लिए रवाना कर दिया गया है, ताकि अगर जलभराव हो तो लोगों को निकालने की तैयारी रहे। इस पूरे इलाके में काफी तेज बारिश होने की वजह से जलजमाव जैसी स्थिति थी, लेकिन अब पानी थोड़ा धीमा हुआ है। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि मुंबई में काले बादल छाए हुए हैं और अगले 24 घंटे तक मौसम विभाग ने मुंबई और आसपास के इलाके में ऑरेंज और रेड अलर्ट दिया हुआ है। मुंबई की कहानी सबको मालूम है, जरा सी बारिश भी माया नगरी को पानी पानी कर देती है और इस बार येलो अलर्ट आ गया है तो सरकार अपनी तैयारियों को चाक चौबंद कर रही है। खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने डिजास्टर कंट्रोल रूम का दौरा किया और समझा कि अगर येलो अलर्ट हकीकत में तब्दील हुआ तो मुंबई कितनी तैयार है। कोंकण से लेकर के मुंबई तक मौसम को लेकर के चेतावनी जारी की जा चुकी है और अगले 24 घंटे बता देंगे कि आसमानी आफत किस शक्ल में महाराष्ट्र पर टूटने वाली है। टीम न्यूज नेशन। मूसलाधार बारिश से मुंबई बेहाल है। नाला सुपारा के पास हाईवे पर जलभराव से ट्रैफिक की रफ्तार थम गई। बारिश की वजह से गाड़ियां आधी डूबी हुई नजर आई। मुंबई से सटे नाला सुपारा वसई विरार की तरफ हालात बाढ़ से ज्यादा खराब हैं। मैं इस समय वसई हाईवे पर हूं। तस्वीर आपको दिखा रहा हूं कि वसई की तरफ जाने वाला जो रास्ता है वो पूरी तरीके से पानी से भर चुका है, यानी एक तरफ के रास्ते पर पूरी तरीके से पानी भरा हुआ है और दूसरी तरफ का रास्ता भी पूरी तरीके से ट्रैफिक जाम में अटका हुआ है। तस्वीरें आप देखिए कि यहाँ पर जो रास्ता 4 लेन है वो फिलहाल एक रास्ता आपको दिखाई पड़ रहा है और बाकी पूरा भरा हुआ है। जो तस्वीर आपको दिखाई पड़ रही है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कंडीशन है। पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश है और खास करके आज पालघर जिले में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसके कारण स्कूल कॉलेजेस बंद किए गए हैं। तस्वीरें देखिए, सुबह से ही हालात खराब है, जो ट्रैफिक में लोग अटके हुए हैं और काफी संख्या में लोग अगल बगल फंसे हुए हैं जिनको निकालने का काम शुरू है। हाईवे की तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कंडीशन है, लोग घंटों ट्रैफिक में अटके हुए हैं। दूसरी तरफ का रास्ता पूरी तरीके से जाम हो गया है और बारिश लगातार चल रही है। आने वाले 24 घंटे में भी इसी तरीके के बारिश रहने के अनुमान है। वीडियो सिद्धेश के साथ अभिषेक पांडे। यूपी की नदियों में जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। गंगा और यमुना का जलस्तर कम नहीं हो रहा। उन्नाव में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। उधर आगरा, मथुरा में भी यमुना अपना रौद्र रूप दिखा रही है। अयोध्या और बाराबंकी में सरयू का जलस्तर उफान पर है, इससे इनके तटवर्ती गांव में बाढ़ के हालात बने हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। उधर गाजियाबाद के कई इलाकों में बाढ़ के बाद बीमारी का खतरा मंडराने लगा है। सड़कों पर यमुना के पानी के साथ साथ नाले का पानी, कूड़ा कचरा बह रहा, जिससे आने वाले दिनों में कई तरह की बीमारी फैलने का खतरा बढ़ गया है। आगरा में यमुना का जलस्तर घटने से लोगों ने राहत की सांस ली। अभी क्या हालात बने इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी विनीत दुबे। यमुना के बढ़ते जलस्तर को लेकर ताजनगरी आगरा वासियों के लिए एक राहत भरी खबर है। अगर पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो यमुना का जलस्तर 2 फीट नीचे हुआ है, 499.3 कल 24 घंटे पहले था और 24 घंटे में इस समय 497.5 के आसपास ये जलस्तर बना हुआ है। एक तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूं कि इस समय यमुना के क्या हालात है। आप देख सकते हैं यमुना अभी भी लबालब है कि सामने आप बेबी ताज देखेंगे, स्मारक जो अतमादोला है उसके नीचे आप जब खिड़कियां देखेंगे, नीचे का हिस्सा देखेंगे तो कल 24 घंटे पहले वो पूछला जो पूरा हिस्सा था वो डूबा हुआ था और इस समय आप देख सकते हैं कि वो खिड़कियां नजर आ रही हैं, यानी कि यमुना का जलस्तर कम हुआ है। और ऐसे में
करीब 12 कॉलोनियां ऐसी हैं जहां पर पानी भरा हुआ है, वहां अभी भी पानी निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन धीरे धीरे पानी स्वतः ही कम होगा। लेकिन उस जलभराव से कहीं ना कहीं लोगों को खासी परेशानी हो रही है, वो घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। लेकिन यमुना का जलस्तर किस तरीके से कम हो रहा है वो मैं आपको और दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए, ये जहां मैं खड़ा हूं ये यमुना का किनारा है, ये सामने यमुना है, बिल्कुल तट पर निकट है। यहां से आप देखेंगे कि ये जो गीला निशान आप देख रहे हैं, यहां से लेकर ये पूरा गीला निशान जो आप देख रहे हैं, यहां तक कल यमुना थी। यानी कि आज 24 घंटे में अगर देखा जाए तो करीब 2 फुट के आसपास जो है वो यमुना नीचे उतरी है। तो उम्मीद लोगों को यही लग रही है कि शायद आगामी समय में उनको इस तरीके से, जिस तरीके से नीचे अभी पानी गिरना शुरू हुआ है, तो अगर नीचे जाता है तो शायद राहत भरी खबर और ज्यादा सामने आ सकती है, लोगों को परेशानी कम झेलनी पड़ेगी। लेकिन सबसे बड़ा संकट तो तब आएगा जब ये पानी कम हो जाएगा और बाढ़ के साइड इफेक्ट दिखाई देंगे, तो उस समय प्रशासन के सामने फिर से एक बड़ी चुनौती होगी कि बीमारियों से कैसे निपटना है और लोगों को स्वस्थ कैसे रखना है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज उत्तर प्रदेश। यमुना का जलस्तर बढ़ने के कारण गाजियाबाद के टोनिका सिटी क्षेत्र में पहाड़ के पास से बीमारी ने दस्तक दी। पूरे इलाके में पहाड़ के बाद अब इसके साइड इफेक्ट दिखना शुरू हुआ है। जलभराव की वजह से कई तरह की बीमारियां सामने आने लगी, साथ ही बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बीमार पड़ने लगे। यमुना में जलस्तर बढ़ने के बाद गाजियाबाद के लोनी की ट्रोनिका सिटी के अंदर आधे से ज्यादा इलाका जलमग्न हो गया था। इस वक्त हम लोनी के ही ट्रोनिका सिटी इलाके के राम पार्क एक्सटेंशन कॉलोनी में मौजूद हैं और इसी कॉलोनी के अंदर तकरीबन 3 से 4 फीट का पानी भर गया था और यहाँ की जो व्यवस्था थी पूरी तरह से चरमरा गई थी। अभी भी आप देखेंगे तो सड़क पर अभी भी कुछ पानी भरा हुआ है, जो सड़क आप देख रहे हैं, और सड़क टूट भी गई है पूरी तरह से। और तमाम राम पार्क एक्सटेंशन के रहने वाले लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि जब भी बाढ़ आती है और बाढ़ के बाद जो साइड इफेक्ट होते हैं वो तमाम तरह के देखने को मिलते हैं, चाहे वो बीमारी के रूप में हो या फिर किसी और रूप में हो। यहाँ बात कर लेते हैं लोगों से, क्योंकि पीछे बच्चे भी बैठे हुए हैं, सबसे पहले आपसे बात कर लेते हैं। सर, आपका नाम जानना चाहूंगा। नाम, मेरा नाम मनोज अश्वान है। मनोज जी, बाढ़ आई, आपने बाढ़ देखा भी, बहुत सालों बाद लूनी के अंदर इस तरह के हालात पैदा हुए, कैसा रहा पूरा ये दौर? दौर बहुत खतरनाक था अगर देखा जाए तो, क्योंकि लोग बागों के घरों में पानी भर गया था और खाने पीने की व्यवस्था बहुत दुरुस्त हो गई थी, क्योंकि पानी और काम तो खैर छूट गया था, क्योंकि पूरी टोनिका सिटी में पानी चला गया था, जिनका रोजगार था वो सारा खत्म हो चुका था एकदम, और लाइट के बिना यहाँ पूरा एक हफ्ता कटा। आज की डेट में लाइट आई है 7 दिन के बाद, पूरा 7 दिन बाद लाइट आई है, अब आप समझ सकते हो लाइट के बिना बिजली घर में पानी घुस गया, घर में पानी घुस गया, और उसके बाद लाइट के बिना कैसे रहना है? क्या दवाई वगैरह बांटी गई प्रशासन की तरफ से, कोई क्लोरीन का छिड़काव वगैरह किया गया? कुछ नहीं हुआ, अभी तक भी कुछ नहीं हुआ है। ना खुला है कि महामारी ना फैल जाए, क्योंकि पानी जब भी भर जाता है, मच्छर बहुत हो चुका है पानी की वजह से, गंदगी बहुत हो चुकी है कॉलोनी के अंदर, तो उसके हिसाब से मच्छर प्रकोप के लिए दवाई का छिड़काव तो होना जरूरी है। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट, गाजियाबाद, लोनी ट्रोनिका सिटी, राम पार्क एक्सटेंशन। उन्नाव के कई इलाकों में गंगा का पानी कहर बरपा रहा। शुक्लागंज इलाके का गोताखोर मोहल्ला पूरी तरह जलमग्न है, वहां के हालात का जायजा लिया हमारे सहयोगी। गंगा का जलस्तर लगातार चढ़ता जा रहा है और गंगा का चढ़ता हुआ जलस्तर गंगा किनारे रहने वाले लोगों की मुसीबतें बढ़ा रहा है। उन्नाव के शुक्लागंज का ये इलाका है, आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से पानी भर चुका है, घरों में पानी भर चुका है, लोग घरों से निकल नहीं पा रहे, तमाम लोग अपने घरों में ताला लगाकर दूसरे ठिकानों पर चले गए हैं। वही तमाम ऐसे लोग हैं जो अभी भी यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन उनके आने जाने का सहारा अब एकमात्र नाव बची है। जिन रास्तों पर मोटरसाइकिलें, साइकिलें और कारें चला करती थी, वहां इस वक्त सिर्फ नाव से ही लोग आ जा सकते हैं। वहीं गंगा की अगर बात की जाए तो शुक्लागंज में जो गंगा है वो चेतावनी बिंदु के पास पहुंच चुकी है, ऐसे में खतरे की घंटी बढ़ गई है उन्नाव के तमाम उन इलाकों के लिए जो निचले इलाके हैं, यहां पर लगातार पानी बढ़ता जा रहा है। बात शुक्लागंज की जाए या फिर बांगरमऊ की, यहां पर पानी लगातार बढ़ रहा है। वहीं कानपुर के भी तमाम ऐसे इलाके हैं जो निचले हैं, वहां पर भी खेतों तक पानी पहुंच चुका है और लोगों के घरों में पानी पहुंच सकता है। ऐसे में प्रशासन भी अलर्ट हो गया है और लगातार जो बाढ़ चौकियां हैं वहां पर लोगों के मौजूद रहने, जो प्रशासन है उनके मौजूद रहने के लिए ताकीद कर दिया गया है। साथ ही साथ प्रशासनिक अधिकारी लगातार बाढ़ की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। वीरजलित प्रीत पांडे के साथ श्याम तिवारी, न्यूज स्टेट, उन्नाव। उन्नाव के बाढ़ग्रस्त गोताखोर मोहल्ले को प्रशासनिक अधिकारियों ने अवैध करार दिया था, लेकिन हैरानी की बात कि यहां प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी कई आवास बने हुए। गंगा का लगातार चल रहा जलस्तर
लोगों की धड़कनें बढ़ा रहा है। ऐसे लोग जो गंगा किनारे रहते हैं, जो कटरी के इलाकों में रहते हैं, उन्हें बाढ़ का डर सता रहा है। वहीं उन्नाव के शुक्लागंज इलाके में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। ये गोताखोर मोहल्ला है जहां पर ये पूरा मोहल्ला जलमग्न दिखाई पड़ रहा है। आमतौर पर जब बाढ़ आती है, पानी भरता है किसी मोहल्ले में, तो प्रशासन ये कहकर के पल्ला झाड़ लेता है कि यहाँ पर लोग अवैध तरीके से रह रहे थे, उन्होंने डूब क्षेत्र में अपने घर बना लिए हैं। लेकिन हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये एक आवास है जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवंटित किया गया है। आवंटी जो है फरहा है, जिनके पति का नाम मोहम्मद रईस है। गोताखोर शुक्लागंज का ये मोहल्ला है और 2021-22 में नगर पालिका परिषद ने गंगा घाट के इस निर्माण को अलाट किया था। प्रधानमंत्री योजना के तहत ये मकान अलाट किया गया है, लेकिन यहाँ की स्थिति आप देख सकते हैं कि ये मकान पानी में डूब चुका है और यही वजह है कि यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं वो मकान में ताला लगा करके यहाँ से जा चुके हैं। तमाम ऐसे मकान हैं, लाइन से आप देख सकते हैं कि ये सभी मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवंटित किए गए थे। अगर ये सरकारी आवास यहाँ पर बने हुए हैं तो ये बस्ती किसी भी तरीके से नाजायज नहीं ठहराई जा सकती। वहीं दूसरी तरफ एक दूसरी तस्वीर ये देखने को यहाँ पर मिल रही है कि इतना पानी भर जाने के बाद सैकड़ों मकान पानी से प्रभावित हैं और लोगों को घरों से बाहर निकलने में दिक्कत हो रही है, लेकिन प्रशासन ने अभी तक यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं की है। निश्चित तौर पर ये उन्नाव जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही है। वीरजलित स्मित पांडे के साथ श्याम तिवारी, न्यूज स्टेट, उन्नाव। उन्नाव के शुक्लागंज इलाके में बाढ़ जैसे हालात हैं। यहाँ रहने वाले लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, लेकिन प्रशासन ने अभी तक यहाँ की सुध नहीं ली है। उन्नाव के शुक्लागंज में बाढ़ ने दस्तक दे दी है। गंगा का लगातार चढ़ रहा जलस्तर लोगों की मुसीबतें बढ़ाने का काम कर रहा है। हम गोताखोर मोहल्ले में मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम मकान हैं वो पानी में डूब चुके हैं और लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। लोग नावों से ही बाहर निकल पा रहे हैं। हम एक घर पे मौजूद हैं यहाँ के, और यहाँ के जो रहने वाले हैं उनसे जानने का प्रयास करते हैं। मैम, ये बताइए कि आपके घर के बाहर पूरा पानी भरा हुआ है, किस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं आपको और कितने दिनों से ये स्थिति है? अब ये दिक्कत तो अभी हफ्ता भर तो हो गया पानी को आए से आए, हफ्ता भर तो हो गया पानी को आए से। दिक्कत तो बहुत है, जैसे सब्जी लेने जाना है तो दिक्कत है, इंतजार कर रहे हैं नाव का तो नाव भी नहीं मिलती है, मिलते हैं तो पैसे मांगते हैं। प्रशासन की तरफ से नाव की व्यवस्था नहीं की गई आने जाने के लिए, क्योंकि लगातार यहाँ पर पानी भरा हुआ है? कोई व्यवस्था नहीं है किसी की तरफ से, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। कितनों परेशानी हो, हर साल परेशानी होती है, कोई नहीं हेल्प करता यहाँ पे। गोताखोर मोहल्ला है जहाँ का नजारा हम आपको एक बार फिर से दिखाना चाहेंगे कि देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर घरों में पानी भरा है और लोग नाव से आवागमन कर रहे हैं। अब बाहर निकल करके सड़क तक जाने का माध्यम एकमात्र नाव है, या फिर इस पानी में डूब करके लोगों को जाना पड़ता है, जिसकी वजह से तमाम कई बार लोगों को कीड़े और जहरीले कीड़े भी काट लेते हैं। लेकिन स्थानीय लोगों का कहना यह है कि अभी तक यहाँ पर प्रशासन ने किसी भी तरीके की कोई मदद मुहैया नहीं कराई है, यहाँ तक कि क्योंकि घरों से बाहर निकलने का कोई दूसरा माध्यम नहीं है, केवल नावें ही चल सकती हैं। प्रशासन ने नावों की व्यवस्था भी यहाँ पर नहीं की है। यही वजह है कि जब लोग घरों से बाहर निकलते हैं तो उन्हें प्राइवेट नावों से जाना पड़ता है, जिसके लिए उन्हें शुल्क भी अदा करना पड़ता है, अन्यथा वो घर में कैद होकर के रह जाते हैं। ब्यूरो जर्नलिस्ट स्मित पांडे के साथ श्याम तिवारी, न्यूज स्टेट, उन्नाव। अमराह के धनौरा तहसील क्षेत्र में डीएम राजेश कुमार त्यागी और विधायक राजीव थरारा ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का निरीक्षण किया। डीएम और विधायक ने ट्रैक्टर और नाव पर सवार होकर क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान डीएम ने बाढ़ पीड़ित ग्रामीणों से बातचीत की, उनका हाल जाना। जिलाधिकारी ने बताया कि राजस्व विभाग की टीम द्वारा नुकसान का आकलन कर प्रभावित लोगों को मदद मुहैया कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि अब पानी का स्तर धीरे धीरे घट रहा, करीब 1.5 फीट पानी का स्तर अब कम हो गया। फसलें और कुछ नीची जो गलियां हैं वहां पे पानी है, आप देख रहे हैं, तो फसलों का जो नुकसान है, पानी जब उतरेगा उसके बाद हम लोग इसका आकलन करा करके और जो भी नुकसान है उसके लिए हम लोग कार्यवाही करेंगे। और जो किसी के घर गिर गए हैं या झोपड़ी गिर गई है उसका भी सर्वे हमारे साथ राजस्व की टीम आई हुई है, वो सर्वे कर रही है। भारी बारिश और यमुना का जलस्तर, ये जलस्तर इतना बढ़ा कि बड़े महानगरों शहरों को अपनी जद में लिया। पहले दिल्ली, फिर गाजियाबाद, नोएडा, अब मथुरा, आगरा जद में। आगरा में इन दिनों यमुना किनारे दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में, यहां तक कि ताज नगरी के ताज के रास्ते को भी पानी ने रोक दिया।
ताज नगरी में पानी ही पानी, ताजमहल के पीछे पानी, यमुना की जद में दर्जनों गांव, शहरों में सड़कों पर चली नाव। ताज की नगरी आगरा में जहां लोग मौसम के मजे ले रहे थे, वही मौसम आज उनके लिए दर्द बनता दिखाई दे रहा है। नोएडा में यमुना का जलस्तर बढ़ने से हजारों लोग बेघर हो गए, तो वही हाल अब आगरा का भी है। यहां यमुना किनारे लोगों का हाल बेहाल है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए लोग अपने बसेरे खाली कर रहे हैं। पूरे शहर में कई जगह यमुना उफान पर है। आगरा में यमुना से सटे डूब क्षेत्र की लगभग 30 से 32 कॉलोनियों में पानी भर गया है, कि ताजमहल के पीछे भी पानी भरा हुआ है। दिल्ली NCR के बाद मथुरा वृंदावन हो या फिर ताज नगरी आगरा, जल प्रलय की चपेट में है। कई गांव में पानी भर चुका है, कई कॉलोनियों में पानी भर चुका है, और ऐसे में खासा परेशानी उन लोगों के हो रही है जो कि डूब क्षेत्र में यानी खादर क्षेत्र में रहते हैं। ये पूरा ताजमहल के पीछे, यमुना के पीछे बी पॉइंट बनाया गया था, जो आगरा विकास प्राधिकरण ने बनाया था, और यहीं से ही पर्यटक ताजमहल के दीदार करता था। खास तौर पर फ्राइडे के दिन, यहाँ पर जिस दिन शुक्रवार को ताजमहल बंद होता था, वहां पर तमाम भीड़ होती थी। लेकिन अब इस समय आप देख सकते हैं पूरा रास्ता जो है वो जलमग्न हो चुका है। रास्ता पूरी तरीके से इस समय बंद है। कहाँ कटान हुआ है, कहाँ गड्ढा है, किसी को कुछ नहीं पता। ये तो जब पानी डाउन होगा तो उसके बाद ही प्रशासन यहाँ पर मरम्मत कार्य करेगा। आगरा के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में है। ऐसे में शाहदरा क्षेत्र के हालात पानी ने खराब कर दिए हैं। लोगों को आने जाने में काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। गांव में प्रवेश करने वाला मुख्य मार्ग जलमग्न है। ताजनगरी आगरा में यमुना के बढ़ते जलस्तर के बाद क्या कुछ हालात देहात क्षेत्रों में है, ये जानने के लिए हम इस समय नगला बिहारी में पहुंचे हैं। ताजमहल के करीब 5 से 6 किलोमीटर दूरी पर ये गांव पड़ता है, और यहां आप देख सकते हैं तस्वीरें क्या कहती हैं। यह देखिए रेलवे ब्रिज है, और शहर की तरफ से जो रास्ता यहाँ आता है वो पूरी तरीके से जलमग्न है। यानी आसपास के अगर 2 गांव की बात करें, 3 गांव की बात करें, तो वो सब इस जल प्रलय की चपेट में आ चुके हैं। पूरा रास्ता रुका हुआ है। आने जाने के लिए बहुत ही कोशिश करनी पड़ रही है कि जान जोखिम में डालकर लोग जो है वो इस पानी को पार कर रहे हैं। ये हालात 3 दिन से बने हुए हैं ना, और लगातार पानी बढ़ रहा है, अभी तक कम नहीं हुआ पानी, और लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। एक तो बगल में नाला है, जो घे भी घेरा नाला है, लोगों का अंदा नहीं रहता कि नाला किधर है। पानी के जलभराव के बच्चों स्कूल में आने जाने की परेशानी उनको भी है। आने जाने के रास्ते बंद है। दोपहिया वाहन ही यहाँ से बामुश्किल गुजर पा रहे हैं, क्योंकि गाड़ी जो चार पहिया है वो घरों में कैद हो गई है, लोग घरों में कैद हो गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज ईस्ट उत्तर प्रदेश। प्रस्तुत करता एसी चाहिए।